क्योंकि यहां पर ताइवान में नैन्सी पेलोसी की मौजूदगी के बाद किस तरीके से शी जिनपिंग अब कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं उसको लेकर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। साथ ही नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन ने अड़ंगा जिस तरीके से डाला था उसके बाद आपको बता दें लैंडिंग से पहले खबरें ये आ रही थी कि 3 घंटे हवा में नैन्सी का प्लेन घूमता रहा। सैन्य टकराव से बचने के लिए ही नैन्सी का ये प्लेन काफी देर तक हवा में रहा। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस जो उनके इस विजिट से पहले जिसको लेकर लगातार बयान आ रहे थे उसमें इस पर खासा जोर दिया गया था, लेकिन इस बीच खबरें ये भी आई कि 3 घंटे तक हवा में नैन्सी का प्लेन घूमता रहा और साउथ चाइना सी में हो सकता था अमेरिका चीन में टकराव। अब साउथ चाइना सी में टकराव की खबर देवनाथ सर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि जो दूरी वो कुआलालंपुर से लगभग 4 घंटे में तय कर सकती थी उसे पूरा करने में 7 घंटे लगे। देखिए चीन बीच बीच में दुनिया को ये बताता है कि साउथ चाइना सी जो है उसके किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भूतव में है उसने साउथ चाइना सी में जो अलग अलग कोरल रीफ्स थे उनके ऊपर आर्टिफिशियली पत्थर और रेत डालकर उनको एक आइलैंड में तब्दील कर दिया है। स्पॉटले आइलैंड है वहाँ पर उन्होंने रनवे भी बना लिया है। तो इन रनवेज पर और इन आइलैंड्स में चीन ने अपनी एयर डिफेंस मिसाइल्स तैनात कर दी हैं और चीन दुनिया के देशों को बोलता रहता है कि इन आइलैंड्स के ऊपर अब वो अपना एक एयर डिफेंस जोन घोषित करने वाला है। इन्हीं तकनीकी प्रॉब्लम से बचने के लिए जब नैन्सी पेलोसी गई तो टेक ऑफ के बाद मलेशिया से उनका विमान जो है बोर्नियो के ऊपर से होता हुआ फिलीपींस की तरफ चला गया और साउथ चाइना सी का जो कंटेस्टेड एयर स्पेस है उससे टोटली बचता हुआ गया और उसके बाद वह फिलीपींस से फिर से घूमकर ताइवान में आके लैंड किए। इसका मतलब यह है कि उन्होंने चीन का जो कोस्टल एरिया है उसके साथ जो एयर स्पेस है उससे अपने को टोटली दूर रखा और लैंडिंग के वक्त जो जहाज था वो ईस्ट चाइना की तरफ से ईस्ट चाइना सी यानी ताइवान के पूरब की दिशा से आके लैंड किया। इसका मेरे ख्याल से पेंटागन ने पहले ही आंकलन कर लिया था कि वह चीन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इस हवाई जहाज के विरुद्ध एक्टिवेट नहीं करना मौका देना चाहते थे। बट राठौर सर ताइवान की भी पूरी प्रेपरेशन थी, जाहिर सी बात है चीन की किसी भी धमकी को हल्के में लेने की जहमत वो भी नहीं उठा सकता। ऐसे में जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी के प्लेन को एस्कॉर्ट किया गया यानी एक बड़ी तैयारी और साथ ही ताइवान को भी इस बात पर उनकी सुरक्षा को लेकर कड़ा जोर देना पड़ा। देखिए नैन्सी पेलोसी के प्लेन को पहली बात तो है जो नैन्सी पेलोसी का प्लेन है वो US एयरफोर्स का जरूर था लेकिन वो ट्रांसपोर्ट प्लेन था और उसके अंदर सिविलियन सवार थे। नैन्सी पेलोसी और उनका दल वो सारे सिविलियन वहाँ के MPs हैं तो उसको एक कॉम्बैट जोन के अंदर से लेके जाना तो समझदारी की बात नहीं होती क्योंकि एक ट्रिगर हैप्पी आदमी चाहिए पूरे वॉर को प्रेसिपिटेट करने के लिए। और रही इसको एस्कॉर्ट करने की बात तो एस्कॉर्ट करने मेरे समझ से इसको एस्कॉर्ट US एयरफोर्स के F-13 जेट्स ने किया ना कि ताइवान के एयरफोर्स ने किया था जी। तो ये US के एयरफोर्स के जेट्स थे और यही उनकी चुनौती थी कि अगर US एयरफोर्स के जेट्स हमारी वायुसीमा में घुसेंगे तो हम इन्हें मार गिराएंगे। तो ये एक अच्छा कदम था कि उस वॉर जोन से जहाँ पर टेंशन है उससे बचते हुए उन्होंने उनको वहाँ लैंड कराया। लेकिन उसके बाद भी चीन की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और सारी दुनिया की निगाहों के बीच में नैन्सी पेलोसी को अमेरिका ने वहाँ लैंड कराकर चीन की चुनौती को स्वीकार किया और करके दिखाया जिससे चीन तिलमिलाया हुआ। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।